आप जानते हैं कि बॉलीवुड में हमेशा ही कोई ना कोई एक्टर सुर्खियों में होता है और इस समय शिल्पा शेट्टी सुर्खियों में है। वजह आप जानते हैं कि शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा इस समय OTT प्लेटफॉर्म पे पॉर्न फिल्म बनाने और उसे अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाने के आरोप में जेल की हवा खा रहे हैं। तो इस वजह से शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा, शमिता शेट्टी यानी शिल्पा शेट्टी का पूरा परिवार खबरों में है, सुर्खियों में है, कॉन्ट्रोवर्सी में है। और ऐसी कॉन्ट्रोवर्सी का फ़ायदा कौन उठाता है? रियलिटी शोज़ यानी बिग बॉस ऐसी कॉन्ट्रोवर्शियल पर्सनालिटी का फ़ायदा सबसे ज़्यादा उठाता है और ऐसे ही लोगों को वो बिग बॉस में एंट्री देता है, उनको अप्रोच करता है और उनको हिस्सा बनाता है, शामिल होने के लिए अप्रोच करता है कि वो बिग बॉस में हिस्सा बने। तो आप सोचिए इस बार बिग बॉस में किसको अप्रोच किया जा सकता है। अब ऐसे समय में जब शिल्पा शेट्टी और उनका पूरा परिवार कॉन्ट्रोवर्सी से जूझ रहा हो तो शिल्पा शेट्टी तो घर के अंदर नहीं जा सकती हैं, लेकिन शिल्पा शेट्टी की बहन शमिता शेट्टी बिग बॉस 15 यानी बिग बॉस OTT में जा रही हैं और ये बात पूरी तरीके से कंफर्म हो गई है। शमिता शेट्टी बिग बॉस OTT और बिग बॉस 15 में जा रही हैं, वह 12वें प्रतियोगी के रूप में हिस्सा ले रही हैं, उनका नाम कंफर्म हो गया है। तो बिग बॉस 15 और बिग बॉस OTT को लेकर सबसे बड़ी खबर आज की यही है कि शमिता शेट्टी बिग बॉस में हिस्सा ले रही हैं, उन्हें बिग बॉस वालों ने अप्रोच किया और काफ़ी सोच विचार करने के बाद शमिता शेट्टी ने शो में जाने के लिए हामी भर दी है। अब मैं आपको बताऊंगा बिग बॉस 15, बिग बॉस OTT से जुड़े और भी सारे अपडेट, लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लें नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट, क्योंकि एंटरटेनमेंट से जुड़ी तमाम खबरें आपको सबसे पहले यहीं पर मिलती हैं। आप ये भी जानते हैं क्योंकि हमने आपको बताया था कि बिग बॉस 15 इस बार कैसा होगा, तो बिग बॉस 15 और बिग बॉस OTT इसको दो नामों से जाना जाएगा, क्योंकि ये जो शो है वो सबसे पहले 6 हफ्तों तक बिग बॉस OTT में आएगा यानी वूट में आएगा। कलर्स का एक OTT प्लेटफॉर्म है, वूट वहाँ पर सबसे पहले दिखाएगा और उसके बाद उसे टेलीकास्ट किया जाएगा TV पर। तो यहाँ पर भी दो भाग हैं कि सलमान खान भी होस्ट करेंगे और करण जौहर भी होस्ट करेंगे, इसमें आम जनता भी भाग लेगी और सेलिब्रिटी भी भाग लेंगे और सेलिब्रिटी कपल्स भी भाग लेंगे। तो इस तरीके से ये इस बार का ताना बाना है जो अब तक हमारे सामने आया है। तो जो बिग बॉस OTT है उसे होस्ट करेंगे करण जौहर और जो बिग बॉस TV में आएगा उसे होस्ट करेंगे सलमान खान। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे 12 जो प्रतियोगी हैं उनकी लिस्ट सामने आई थी, लेकिन TV एक्टर मानसवी वशिष्ठ ने घोषणा की है कि वह शो का हिस्सा नहीं बनने जा रही हैं। इसलिए माना जा रहा है कि जो शमिता शेट्टी की जो अचानक एंट्री हुई है वो 12वें कंटेस्टेंट के तौर पर हुई है। बताते चलें कि बिग बॉस OTT 8 अगस्त से वूट ऐप पर टेलीकास्ट किया जाएगा, मतलब आज है 4 तारीख और 4 दिन के बाद आप बिग बॉस OTT को वूट चैनल पर देख पाएंगे और करण जौहर इसके होस्ट होंगे। शमिता शेट्टी ने साल 2009 में बिग बॉस में हिस्सा लिया था, लेकिन शिल्पा शेट्टी की शादी के कारण वह शो को बीच में छोड़कर घर से बाहर आ गई थी। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के पोर्नोग्राफी केस में गिरफ्तार होने के बाद शेट्टी परिवार इस समय सुर्खियों में बना हुआ है, विवादों में है, कॉन्ट्रोवर्सी में है। इस मामले के चलते शमिता शेट्टी की पर्सनल लाइफ में भी उथल पुथल मची हुई है, वहीं वह बिग बॉस OTT में भी नजर आएंगी। वहीं अब यह भी देखने वाली बात होगी कि शो में किस तरह से वो लोगों के सामने रिएक्ट करेंगी या आएंगी, क्योंकि इस समय जब परिवार पूरी तरीके से सुर्खियों में है और उनकी हर एक बयान पर, हर एक बात पर नज़र रखी जा रही है, ऐसे में शमिता शेट्टी क्या कुछ कहती हैं बिग बॉस के अंदर, क्योंकि जब वो बिग बॉस के अंदर जाएंगी तो जाहिर सी बात है शो के प्रतियोगी उनके साथ कोई ना कोई बात राज कुंद्रा से जुड़ी, शिल्पा शेट्टी से जुड़ी ज़रूर कहेंगे। बिग बॉस OTT में इससे पहले 11 प्रतियोगी के रूप में नेहा भसीन, अनुषा दांडेकर, करण नाथ, नेहा मलिक, रिद्धिमा पंडित, दिव्या अग्रवाल, प्रतीक सहजपाल, उर्फी जावेद, अक्षरा सिंह और जिशान अली और पवित्रा लक्ष्मी शामिल हैं। 12वें कंटेस्टेंट के तौर पर शमिता शेट्टी का चेहरा नजर आएगा। शमिता ने साल 2000 में फिल्म मोहब्बतें से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, इसके बाद कई फिल्म में वो नजर आई, हालांकि उन्हें फिल्मों में बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी।
शमिता शेट्टी झलक दिखला जा और खतरों के खिलाड़ी जैसे रियलिटी शो में भी नज़र आ चुकी हैं। शमिता शेट्टी ने जब बिग बॉस 9 में हिस्सा लिया था तब शो के होस्ट अमिताभ बच्चन थे। दिलचस्प यह है कि इस बार बिग बॉस OTT को करण जौहर होस्ट कर रहे हैं, जबकि 6 हफ्ते बाद TV पर बिग बॉस 15 को सलमान खान खुद होस्ट करेंगे। शिल्पा शेट्टी सलमान खान की करीबी दोस्त मानी जाती हैं। ऐसे में ये देखना भी दिलचस्प होगा कि सलमान खान शमिता शेट्टी के साथ किस तरह से पेश आते हैं। माफ कीजिएगा, शमिता शेट्टी ने बिग बॉस में जब हिस्सा लिया था तो अब 42वें दिन शो से अपनी मर्जी से बाहर आ गई थी। उस सीजन के विनर बिंदु दारा सिंह थे। इसमें कोई दो राय नहीं कि शमिता शेट्टी बाकी प्रतियोगियों पर भारी पड़ेंगी, क्योंकि उनके पास पहले से ही बिग बॉस का एक्सपीरियंस है और सेलिब्रिटी होने का भी एक्सपीरियंस है। फिल्मों में काम कर चुकी हैं, उनका रुतबा कई प्रतियोगियों से बड़ा है। वो फिल्मों से ताल्लुक़ रखती हैं, बिग बॉस के जो ज़्यादातर प्रतियोगी हैं वो टेलीविज़न से ताल्लुक़ रखते हैं। खैर, अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बिग बॉस में शिल्पा शेट्टी की बहन शमिता शेट्टी अपने आप को किस तरीके से कैरी करती हैं, करण जौहर सलमान खान उनके सामने किस तरीके से पेश आते हैं, और शमिता शेट्टी का इस बार का सफ़र बिग बॉस में कितने दिनों का होता है, क्योंकि पिछली बार तो वह बहुत कम दिनों में ही बिग बॉस से बाहर निकल गई थी। चलिए, तो अब शुरू हो गया है बिग बॉस का, मतलब बिग बॉस की सुर्खियां शुरू हो गई हैं। तेज़ी से बिग बॉस के प्रतियोगियों के जो नाम हैं वो सामने आ रहे हैं। ऐसे में आपको हर पल हर दिन हर समय की जो सारी अपडेट रिलेटेड टू बिग बॉस OTT और रिलेटेड टू बिग बॉस 15 है वो सबसे पहले कहां मिलेगा? जी बिल्कुल यहीं पर NBT एंटरटेनमेंट में। तो सबसे पहले जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले NBT एंटरटेनमेंट सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम 24/7 आपके लिए लेकर आएंगे बिग बॉस के सारे अपडेट्स, बिग बॉस OTT के अपडेट्स, बिग बॉस 15 के अपडेट्स। तो ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी हमारे अपडेट्स आएँ वो सबसे पहले आपको मिल जाएँ सही समय पर। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहना नवभारत टाइम्स ऑनलाइन, और एंटरटेनमेंट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर लें नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। नमस्कार।